नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रीकांत कुमार, आप देख रहे टू जेट डोसेस। आज हम बात करने वाली इस वीडियो में दोस्तों आयुष्मान कार्ड की बहुत ही बड़ी अपडेट। अब दोस्तों बिना कहीं गए घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से आयुष्मान कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं, आयुष्मान कार्ड को सुधार कर सकते हैं। कैसे आयुष्मान कार्ड में करेक्शन करना है खुद से, तो उसके लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप का किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर में टाइप करना है बेनिफिशियरी NHA, उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर जो लिंक दिख रहा है इस लिंक पे क्लिक कर देना है। आयुष्मान कार्ड का नया वाला ऑफिशियल पोर्टल इस प्रकार से ओपन हो जाता है, जो इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, बेनिफिशियरी और ऑपरेटर का। तो यहाँ पे बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट रहने देना है। इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर को टाइप करना है। मोबाइल नंबर पर एक OTP को सेंड किया गया है, OTP को इस बॉक्स में टाइप कर देना है। इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में टाइप करना है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे अपना स्टेट का नाम को सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नाम को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे स्कीम नेम ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट के नेम को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दिख जाता है सर्च बाय, तो जैसे आप सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो सर्च करने के लिए यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया गया है। जो आपके पास सुविधा है उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम आधार नंबर को सिलेक्ट करते हैं। इस बॉक्स में आधार नंबर को टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे दिख जाता है सर्च, जैसे आप सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके फैमिली में जितने लोग का आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में नाम है इस प्रकार से लिस्ट में नाम देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले जो है कि ए साइड में चले आना है और यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी मेंबर्स में आयुष्मान कार्ड में करेक्शन करना है। तो दोस्तों अगर आप आयुष्मान कार्ड को बना लिए हैं और आयुष्मान कार्ड में करेक्शन करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो अप्रूव दिख रहा है और इसके सामने जो ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड का, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दिख जाता है वेरीफाई, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कौन से नेट का एक पेज ओपन हो जाता है, यहाँ पे दिख जाता है एक बॉक्स, बॉक्स पे टिक आउट करना है। अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक OTP को सेंड किया गया है, OTP को इस बॉक्स में टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे दिख जाता है ऑथेंटिकेट के ऑप्शन, इस वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार के इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है रेडो EKYC के ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन को सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है। और EKYC करने के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जो आपके पास सुविधा है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो चलिए आधार OTP वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे दिख जाता है वेरीफाई, वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कौन से नेट का एक पेज ओपन हो जाता है, यहाँ पे दिख जाता है एक बॉक्स, इस बॉक्स पे टिक आउट करना है। अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर एक OTP को सेंड किया गया है, OTP को इस बॉक्स में टाइप कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आयुष्मान कार्ड का डिटेल्स देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे EKYC का डिटेल्स देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड का डिटेल्स और EKYC की डिटेल्स सेम है या फिर प्रॉब्लम है, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है। तो दोस्तों जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आयुष्मान कार्ड में आप क्या क्या अपडेट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप जो है कि फोटो को चेंज कर सकते हैं। जो फोटो आप रखना चाहते हैं आयुष्मान कार्ड में, यहाँ पे क्या करना है क्लिक के ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ से आयुष्मान कार्ड के लिए आप एक फोटो यहाँ पे लाइव आपको फोटो क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे परसेंटेज देखने के लिए मिलेगा कितना परसेंटेज जो है कि आधार, EKYC और आयुष्मान कार्ड का डिटेल्स मैच कर रहा है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है तो आयुष्मान कार्ड में क्या क्या अपडेट कर सकते हैं, तो यहाँ से आप मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को, यहाँ पे ईयर्स को भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, रिलेशनशिप को सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से अपना एरिया का पिन कोड नंबर को भी चेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के नेम को भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, एरिया को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ब्लॉक के नेम को चेंज कर सकते हैं, विलेज को नेम को सिलेक्ट करते हैं और इतना चेंज करने के बाद जो है कि सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आयुष्मान कार्ड में ये सारा चीज जो है कि करेक्शन हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए आयुष्मान कार्ड में इतना सारा को जो है कि खुद से आप करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आयुष्मान कार्ड में डिटेल्स को सुधार किया जाता है।